क्या ये जो वंदे भारत ट्रेन जो अभी रवाना हो रही है कुछ ही देर में, क्या क्या इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं कौन कौन सी, अगर मैं उसकी बात देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है ना मेक इन इंडिया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण और जो लोकप्रिय उदाहरण है वो वंदे भारत है। इसमें वर्ल्ड क्लास लेवल की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसका सबसे बड़ा और इसकी स्पीड का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मेरठ से लखनऊ जो अभी फास्टेस्ट ट्रेन जितनी दूरी तय करती है जितने समय में, उससे करीब सवा घंटे से भी ज़्यादा कम समय में ये ट्रेन पहुंचाएगी। इसका एक्सीलरेशन 0 to 100 KMPH का वो जो एक्सीलरेशन है, टाइम टेकन इन अटेनिंग द स्पीड है, वो बुलेट ट्रेन से भी बेहतर है। इसके अंदर सारी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं, आप देख सकते हैं 180 डिग्री रिवॉल्विंग जो सीट्स हैं, टॉयलेट्स स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, और वो सारी सुविधाएं जो एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन के अंदर होती है और जो नया भारत डिजर्व करता है। सर उसके अलावा आप कौन कौन सी सुविधाएं, जैसे वाईफाई की सुविधा है और क्या क्या है बताएं? जी देखें, इसमें सबसे पहले तो आप देखें स्क्रीन्स की सुविधा है, ऑटोमेटिक डोर क्लोजर का सिस्टम है, मेन डोर भी, और दूसरा आपके केबिन में एंट्री का भी डोर ऑटोमेटिक क्लोज होता है, टॉयलेट्स में ऑटो फ्लश की सुविधा है। इसके अलावा आप देखें तो टच लाइटिंग की सुविधाएं हैं, इस तरह की तमाम सुविधाएं। इसकी सीट्स की कुशनिंग बेहतर है, चौड़ाई और इसमें लेग स्पेस लेग रूम ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ कि बाकी जो वंदे भारत चल रही है, क्या ये भी उनकी तरह है या कुछ उससे अलग है? ये जैसा आपके पता होगा, वंदे भारत का जो एडवांस वर्जन है ये उसी रेक में से एक है, और जो वंदे भारत 1.0 था उससे बेहतर सुविधाएं, उससे हल्का है, उससे अच्छा एक्सीलरेशन है, उससे अच्छे कंफर्ट हैं। और स्पीड जो आप बता रहे थे, अगर उसको फिर से बताएं, स्पीड कितने किलोमीटर प्रति घंटा? ये 160 KMPH तक की आसानी से चलने के लिए फिट है। ट्रैक की फिटनेस के हिसाब से मैक्सिमम स्पीड अपनी अटेन करती है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो है, वो इसका हाई एक्सीलरेशन 0 to 100 KMPH तक पहुँचने में ये जो समय लेती है वो बुलेट ट्रेन से भी कम समय लेती है। और कवच की भी इसमें जो सुविधा है? जी, ये कवच इनेबल ट्रेन है। जैसे ही कवच के एक्चुअली 2-3 इंस्टॉलेशंस हैं, वो कवच का सिस्टम पूरी तरह कंप्लीट होने के बाद इसमें कवच की सुविधा भी उपलब्ध है। वो उसको अगर बताएं उसको डिटेल में कि क्या होता है, वो कैसे क्या कुछ तरह की सुविधा देता है कवच की बात? देखिए, कवच का है बेसिकली, इसे कहते हैं ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये विभिन्न स्टेजेस में है, हमारे यहाँ जो अभी कार्यान्वित हो रहा है वो एक स्तर ऊपर पे है और वर्ल्ड क्लास लेवल का है। ये ऑटोमेटिकली टक्कर रोकने की प्रणाली है। थैंक यू सो मच सर। तो ये है CPRO है हिमांशु शेखर उपाध्याय जी, जिन्होंने बताया ये जो वंदे भारत ट्रेन जो कि रवाना होने जा रही है मेरठ से, इसमें कौन कौन सी सुविधाओं से लैस है, अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, तो वो इन्होंने बताया। और हम आपको ये अभी जस्ट बस गेट लॉक हो जाएंगे, अभी तुरंत ही गेट लॉक होने वाले हैं, क्योंकि कुछ देर पहले से ही गेट लॉक हो जाती है ऑटोमेटिकली, जो टाइम होता है उससे पहले ही। और सीट्स किस तरह की हैं वो इन्होंने बताया, कितनी आधुनिक सुविधाओं से ये लैस ट्रेन है जो कि अभी जल्द ही रवाना होने जा रही है मेरठ से। कैमरा पर्सन सुनील के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष मेरठ।